और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से हस्त 2028 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उज्जैन की पहचान साधु संतों से है और उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महंतों और महामंडलेश्वर को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने साधु संतों के हितों को प्राथमिकता देते हुए स्थायी आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई है और उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस योजना को आकार दिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थायी अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा ताकि अस्थायी निर्माण से होने वाली समस्याएं निर्मित न हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आने वाले सिंहस्थ को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी आश्रम बनेंगे, क्योंकि साधु संतों से ही उज्जैन की पहचान है और ऐसे में साधु संतों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर के लिए स्थाई जो है आश्रम बनाए जाएंगे, महात्माओं के लिए स्थाई आश्रम बनाए जाएंगे। तो उज्जैन विकास प्राधिकरण योजना को भी आकार दिया जाएगा। आने वाले सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसा हरिद्वार हमारा बना हुआ है, हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छा आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रखें। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है और ये सरकारी उपक्रम है, प्राधिकरण उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंतों, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर समस्त में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे। अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल, परमानेंट फोर लेन, सिक्स लेन, ये जो बाकी मूल सुविधा जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा कह रहे हैं, ये भी हम सारा निर्माण एक साथ चालू अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये करने के पीछे भाव ये है कि सबसे पहले हमारे इन सारी जगहों पे हमारे संत, महामंडलेश्वर, महंत आ जाएं और जब इनकी सारी पूर्ति हो जाएगी फिर हम सभी प्रकार के समाजों के धर्मशालाओं के लिए भी समान रूप से गुंजाइश देने वाले हैं।